नमस्कार, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज खेले जा रही है। टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान 240 रन बनाकर ऑल आउट हो गया, लेकिन चर्चा में एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपना पहला मैच खेल रहा है, 16 साल के नसीम शाह, पाकिस्तान का नया टैलेंट। फास्ट बॉलिंग से सभी को इम्प्रेस कर चुके हैं। प्रैक्टिस मैच में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान भी किया, और ये सब उन्होंने उस रोज़ किया जब दो ही दिन पहले उनकी माँ का निधन हो गया। ऐसे माहौल में हर आँख उन्हीं की ओर थी और उन्होंने किसी को निराश भी नहीं किया। नसीम ने वकार यूनिस से अपनी टेस्ट कैप लेने के बाद पहले टेस्ट के पहले दिन मैदान पर कदम रखा, एक गेंदबाज नहीं बल्कि बल्लेबाज के रूप में। उनकी बैटिंग के दौरान शेन वॉन ने कहा, जिस 16 साल की उम्र में नसीम शाह ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क का सामना कर रहे हैं, मैं अपने 20 साल के बेटे को इन गेंदबाजों के सामने महसूस भी नहीं कर सकता। नसीम शाह ने 12 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने कुल 7 रन बनाए। खैर, उन्होंने क्या किया क्या नहीं, ये बात का सवाल है। शेन वॉन ने जो बयान दिया और नसीम शाह के बारे में जो बात चल रही है, हमारी खबर उसी के बारे में। नसीम शाह की उम्र बताया जा रहा है कि नसीम 16 साल के हैं। ये उम्र इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए काफ़ी कम मानी जाती है। टेस्ट क्रिकेट के लिए तो इसे अपरिपक्व भी कहा जा सकता है। इतनी कम उम्र में टेस्ट टीम में जगह पाने वाले नसीम हर जगह खबरों में बने तो हुए हैं, लेकिन कुछ वजहों से उनकी उम्र पर सवाल उठने लगे। हुआ ये कि पाकिस्तान के अखबार द डॉन का एक आर्टिकल ट्विटर पर खूब घूम रहा है। आर्टिकल 2016 में लिखा गया है। उस खबर में पाकिस्तान में उभर रहे खिलाड़ियों के बारे में बात हुई है। इस दौरान नसीम शाह का भी जिक्र हुआ और इसी क्रम में उनकी उम्र की भी बात हुई, जो कि 16 साल बताई गई। यानी नसीम शाह 2016 में ही 16 साल के थे, यानी 2019 का अंत आते आते अपना पहला टेस्ट मैच खेलने वाले नसीम शाह 19 साल के हुए। लेकिन नसीम शाह की बढ़ती उम्र थम सी गई मालूम दे रही है। द डॉन के 2016 में लिखे इस आर्टिकल में वेस्टइंडीज़ के 70 के दशक के तूफानी गेंदबाज एंडी रॉबर्ट्स ने नसीम का जिक्र किया था। एंडी ने तब कहा था, मैं कहना चाहूँगा कि मुझे तेज़ गेंदबाज नसीम बहुत पसंद आया, वो सिर्फ 16 साल का है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरे पास उनके साथ काम करने के लिए 2 से 3 हफ्ते का समय नहीं है। एंडी रॉबर्ट्स का ये स्टेटमेंट साल 2016 में आया था, जब पाकिस्तान में कराची स्पोर्ट्स फाउंडेशन के एक कोचिंग बेस्ड टीवी रियलिटी प्रोग्राम में वो शामिल हुए। इस कार्यक्रम में एंडी रॉबर्ट्स समेत जॉन्टी रोड्स, डेमिन मार्टिन और डैनी मॉरिसन भी शामिल थे। नसीम शाह की उम्र में झोल सिर्फ द डॉन के एक आर्टिकल तक ही लिमिटेड नहीं रहा। ट्विटर पर पाकिस्तानी खेल पत्रकार साद सादिक का एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है, जिसमें नसीम की उम्र का जिक्र है। ये ट्वीट 2018 में किया गया था और इस वक्त नसीम की उम्र 17 साल बताई जा रही है। यानी नसीम की उम्र सिर्फ थमी ही नहीं बल्कि कम भी हो रही है। साद सादिक ने 1 दिसंबर 2018 को ट्वीट किया जिसमें लिखा, क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए टीम में शामिल हुए 17 साल के तेज गेंदबाज नसीम शाह को कमर में चोट लगी है, उनके PSL 4 में फिट होकर टीम के साथ ट्रेनिंग में शामिल होने की खबर है। यानी नसीम की उम्र को लेकर झोल तो है। साल 2016 में नसीम की उम्र 16 साल बताई गई, ये उम्र साल 2018 में 17 साल रह जाती है, जबकि 2019 में एक बार फिर से उन्हें 16 साल का बताकर ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करने वाला सबसे युवा पाकिस्तानी तेज गेंदबाज बताया जा रहा है। अब क्रिकेट के मैदान पर इसे पाकिस्तान का फ्रॉड ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। हालांकि मैच के दूसरे दिन यानी कि 22 नवंबर को उनकी गेंदबाजी का प्रदर्शन कैसा रहता है, ये तो आज के खेल के बाद ही पता चलेगा। इससे पहले भी एक पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी उम्र के चलते खबरों में रहे हैं। उनके बारे में तो ये तक कहा जाता था कि उनकी उम्र बढ़ती ही नहीं है। ये हैं शाहिद अफरीदी। अफरीदी ने अपनी किताब में भी इस बात का जिक्र किया था कि उनकी उम्र गलत बताई जाती रही है। अफरीदी ने जब डेब्यू किया था तो उनके बारे में भी यही कहा जाता था कि वो 16 साल के हैं, लेकिन उनकी किताब के आने के बाद जब YouTube पर उनकी पहले सीरीज़ की वीडियो खंगाली गई तो ग्राफिक्स में साफ दिखाई दिया था कि उनकी उम्र 21 साल है। ये मैच नैरोबी में खेला जा रहा था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में खिलाड़ियों की उम्र को लेकर कुछ ना कुछ झोल चलता ही रहता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और आपने इसे YouTube पर देखा है तो हमारे चैनल द लल्लन टॉप को सब्सक्राइब कीजिए, और Facebook पर आपने वीडियो देखा है और पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए और हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए। मैं हूँ विपिन, कैमरे के पीछे मेरे साथ है राशिद। शुक्रिया।